hello students today we will start present continuous tense in the previous video we had done simple present tense and i think you all revised the rules of simple present tense okay and uh, if you have any problem any doubt in simple present tense then you will ask okay now we are going to start present continuous tense आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंटीन्यूस का क्या मतलब होता है कंटीन्यूस मीन्स लगातार जो चीज लगातार चल रही है मीन्स जो प्रोग्रेस में है ओके okay? मीन्स इस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस देर आर सम रूल्स टू रिकोगनाइज दिस टेंस एंड वट आर द यूज ऑफ दिस टेंस फर्स्ट यूज इज़ इट इज़ यूज फोर एन एक्शन दैट इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये जो आपका टेंस है ये जब हम बोलते हैं ठीक है बोलते वक्त जो चीज़ प्रोग्रेस में है जो चीज़ लगातार काम हो रहा है ठीक है अगर बोलते वक्त कोई काम हमारा लगातार चल रहा है या कोई और काम लगातार कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कार्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आगे हम अच्छे से रूल भी करेंगे ठीक है जैसे हमने प्रीवियस टेंस में भी किया था कि पहले मैंने आपको पॉइंट्स समझाए थे देन आ, देन वी विल डू रूल एंड एग्जांपल्स हियर ही इज़ रीडिंग आ न्यूज़पेपर वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है अब देखिए कि वो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ठीक है तो और मैं आपको कह रही हूँ कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो यहाँ पे जो आ, ही है वो रेगुलरली अपना काम कर रहा है वो न्यूज़पेपर पेपर रीड आउट कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कंटिन्यूस टेंस मीन्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इज एम आर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे यहाँ पर आपका ही है ही आपका सिंगुलर है दे

यहाँ पे देखो कि ये जो टेंस है ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है ऐसे एक्शन को डिनोट करता है या ऐसा इवेंट या ऐसी कंडीशन दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम जो कि कुछ टाइम के लिए कोई चीज़ जो है या कोई भी इवेंट है या कोई एक्शन है या कोई कंडीशन है वो थोड़े से टाइम के लिए वो लगातार चली होगी ठीक है वो लगातार मीन्स कंटिन्यू उसने काम किया होगा अगर ऐसा है अगर थोड़े टाइम के लिए भी कोई काम रेगुलरली हुआ है तो वहां भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज लर्निंग इंग्लिश शी इज लर्निंग इंग्लिश वह इंग्लिश सीख रही है ठीक है तो उसने चाहे वो थोड़े टाइम के लिए सीखी हो या कुछ टाइम के लिए वो गई हो और उसने इंग्लिश सीखी हो ठीक है तो यहां पे जो है हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे देखो कोई जो एक्शन है अगर वो प्लान किया गया है नियर फ्यूचर के लिए मीन्स मतलब हम आ, हमने बहुत फ्यूचर में मतलब बहुत ही बाद में कोई काम करने वाले हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अगर हम जैसे कल ही कुछ करने वाले हैं ठीक है ठीके? बिल्कुल नियर फ्यूचर में मतलब भविष्य में हम पास में ही कुछ करने वाले हैं ठीक है ठीके? तो आ, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ आएगा द डोर्स आर ओपनिंग इन फाइव मिनट्स पाँच मिनट में डोर्स ओपन हो जाएंगे या डोर्स ओपन हो रहे हैं ठीक है मीन्स देखो अभी हुए नहीं है डोर ओपन लेकिन यहाँ पे क्या है कि पाँच मिनट मीन्स टाइम गैप कितना दिया है सिर्फ पाँच मिनट का है तो फ्यूचर का कि पाँच मिनट के बाद होगा अभी नहीं हो रहा पाँच मिनट के बाद होगा फ्यूचर की बात रहे, लेकिन फ्यूचर में थोड़े से टाइम जो है इसमें टाइम गैप बहुत ही कम है प्रेजेंट और फ्यूचर का जो टाइम गैप है वो बहुत ही कम है जब टाइम गैप कम होता है तो हम वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज द प्रेजिडेंट इज़ अराइविंग टुमारो क्लासेस आर एंडिंग नेक्स्ट वीक प्रेजिडेंट कल आ रहे हैं मीन्स कल आएंगे ये कन्फर्म है पहले से पता है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो कल आएंगे लेकिन हमने ये नहीं कहा कि परसों आएंगे या उसके बाद आएंगे लेकिन हमें पता है कि नियर फ्यूचर में आ रहे हैं ठीक है ज़्यादा टाइम गैप नहीं है तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे एज़ अराइविंग मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्लासेज आर एंडिंग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस ख़त्म हो रही हैं जैसे हम किसी से बात करते हैं कहते हैं हाँ नेक्स्ट वीक हमारी क्लास ख़त्म हो रही हैं ठीक है या ख़त्म हो जाएंगी तो मतलब नियर फ्यूचर की बात बात करी हमने बिल्कुल तो यहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं ओके okay? जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज यूज विद ऑलवेज टू एक्सप्रेस इरीटेशन जब आपका सेंटेंस में ऑलवेज यूज हो रहा है और वो किसी इरिटेशन को शौक कर रहा है मतलब ऑलवेज़ uh, किस सेंस में यूज़ हो रहा है कि जब uh, कोई आपके बारे में बात मतलब कोई आपको कुछ बता रहा है और वो बात सुन के आपको बहुत ही इरिटेशन हो आपको बहुत ही बेकार लगे ख़राब लगे कि बार बार एक ही बात कह रहा है ठीक है या इसकी तो आदत है ये सब कुछ कहने की तो जब आप uh, उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कोई आपको कुछ कह रहा है और ऑलवेज़ का यूज़ हो रहा हो ठीक है इस वर्ड का ध्यान रखना ऑलवेज़ तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट वन थिंग और द अदर वो हमेशा वह हमेशा एक चीज और दूसरी चीज के बारे में हमेशा कंप्लेन करती रहती है कभी इस चीज़ के बारे में कभी उस चीज के बारे में मतलब इसकी तो हैबिट ही ऐसे कि हमेशा एक ही चीज के बारे में कंप्लेन करती रहती है ठीक है तो क्या है अगले वाला भी इरीटेट हो जाएगा कि क्या हमेशा आती है हमेशा कहती है कि मुझे आ, ये बुक पसंद नहीं है वो बुक पसंद नहीं है ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है है, वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो इस तरह से जब किसी चीज को लेके बार बार कंप्लेन की जाती है और आप वो सुन के बार बार इरिटेट हो रहे हो तो वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं ओके नाउ योर रूल इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड वी फॉर वर्ब ओके डोंट बी कंफ्यूज

और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है अगर एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बात हो रही है या ही शी इट का यूज हुआ है जो कि सिंगुलर है ठीक है देन वी विल यूज़ इज़ ठीक है हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है अगर एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है या हमारा आया हुआ है वी और दे और यहाँ भी देखो यू आया हुआ है यू आपका सिंगुलर है यू आपका सेकंड पर्सन भी है ठीक है तो यू के साथ हमेशा आ रहा है यू का ध्यान रखिए पिछले टेंस में भी मैंने आपको बताया था आई और यू आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है यू आपका सेकेंड पर्सन होता है और हमने पिछले टेंस में आई और यू के साथ एस ई एस नहीं लगाया था वो सिंगुलर है फिर भी हमने उसके साथ ऐसे एस नहीं लगाया था ठीक है इसी तरह से यहां भी यू के साथ हम इज नहीं लगाएंगे यू के साथ हमेशा आर आएगा और यहां इस टेंस में आई के साथ एम आपका फिक्स है ठीक है आई के साथ हमेशा एम ही आएगा ओके फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज कुकिंग मेरी बहन खाना बना रही है कंटिन्यूसली काम कर है खाना बन रहा है ठीक है तो यहाँ पे जो माई सिस्टर मेरी बहन ठीक है मतलब एक के बारे में बात हो रही है मेरी बहन एक है ठीक है तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या आया इज़ हेल्पिंग वर्ब आई और कुक यहाँ पे मेन वर्ब है आईएनजी आपका इस टेंस में यूज होता है ठीक है तो यहाँ पे आपका आया माई सिस्टर इज़ कुकिंग इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ओके नाउ रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस अभी तक जो हमने बात करी ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बात थी या जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है अगर नहीं के बारे में बात हो रही है नॉट के बारे में बात हो रही है उसमें नेगेटिव बात हो रही है ठीक है तो वहां के लिए रूल क्या होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स इज़ एम आर के साथ आपका नोट आ जाएगा पूरा आपका रूल सेम रहेगा सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इज़ एम आर के साथ आपका नॉट आएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट अब एग्जाम्पल देखिए माई सिस्टर इज नॉट कुकिंग मेरी बहन खाना नहीं बना रही है ठीक है तो अब यहां पे देखिए जो इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ आपका आएगा नॉट ओके माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है दैट्स वी विल यूज़ इज इज़ एंड दिस नेगेटिव सेंटेंस सो वी विल यूज नॉट ओके अब देखिए प्लूरल एग्जाम्पल देखिए जैसे हमने बोला दे आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं ठीक है तो दे यहाँ पे क्या है वे मीन्स बहुत सारों के बारे में बात हो रही है एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका एंड वी विल यूज़ आर ठीक है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है दैट्स वाई वी विल यूज आर आर दिस इज़ नेगेटिव सेंटेंस सो वी विल यूज़ नॉट एंड नॉट इज़ यूज विद हेल्पिंग वर्ब ठीक है हेल्पिंग वर्ब आर है आर के साथ हमने नोट लगाया देन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन द ग्राउंड ओके देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है कोई भी आपको सेंटेंस गिवन हो जिस चीज़ के बारे में या जिस पर्सन के बारे में हम बात करते हैं ओके वो हमेशा आपका सब्जेक्ट होता है ओके और वो जो सब्जेक्ट मींस वो पर्सन वो थिंग जो काम कर रहा है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ठीक है जो क्रिया कर रहा है जो काम परफॉर्म कर रहा है वो हो जाता है आपका वर्ब ठीक है और जब हमारे पास उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्यों क्या कहाँ किस लिए जब इसका आंसर हमें मिले ठीक है तो वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट जैसे मैं इस सेंटेंस में बोलती हूं दे आर नॉट प्लेइंग खेल नहीं रहे कहां नहीं खेल रहे तो मैंने आंसर दिया इन द ग्राउंड ग्राउंड में नहीं खेल रहे ठीक है तो इन द ग्राउंड आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट ओके यू हैव टू नो व्हाट इज सब्जेक्ट व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब अ सेंटेंस ओके now next rule is for interrogative sentence is am are plus subject plus verb ki first form plus ing plus object plus question mark देखिए interrogative sentence में क्या होता है जितनी भी helping verb होगी वो हमारी आगे आ जाएंगे is M R

क्या मेरी बहन खाना बना रही है तो यहाँ पे देखिए क्या मेरी बहन यहाँ पे हम क्वेश्चन अप कर रहे हैं क्या मेरी बहन खाना बना रही है तो यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे माय सिस्टर माय सिस्टर क्या है सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इज़ इज़ माय सिस्टर कुकिंग ओके okay? तो इज़ यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब है ये आ, आ, ये जो आ, आपका इज़ यूज हुआ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है सब्जेक्ट यहाँ पे है माय सिस्टर माय सिस्टर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है दैट्स वाई वी विल यूज़ इज़ एंड इन द इंटारोगेटिव वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस इज माई सिस्टर कुकिंग ओके और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड क्या वे मैदान में खेल रहे हैं ठीक है तो वे यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है दे जिसके बारे में बात हो रही है ये आपका प्लूरल है सब्जेक्ट दैट्स वाई वी विल यूज आर और इंटारोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज होगा आर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड ओके नाउ देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस टेंस The following verbs are not normally used in the continuous tense. अब देखो यहाँ पे कुछ आपको ऐसी verbs दी गई हैं जो कि normally आपको इस बात का नहीं पता होगा। मैं आपको बहुत ही deeply करा रही हूँ ये tenses तो please concentrate in these rules. द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कंटिन्यूस टेंस ये जो वर्ब्स हैं जो नीचे आपको वर्ब्स गिवन है वर्ब्स ऑफ सेंसेज वर्ब्स ऑफ थिंकिंग वर्ब्स ऑफ फीलिंग वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग वर्ब्स ऑफ प्रोसेसिंग और जो भी दूसरी वर्ब्स दी हुई हैं ठीक है थीके? ये नॉर्मली कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये आपके वर्ड्स आ जाएंगे तो ध्यान रखना ये आपके कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होंगे मीन्स इनके साथ हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं नहीं लगाएंगे जैसे सेंसेस जो हमारी फाइव सेंसेस है उसके बारे में बात हो तो रही है सी हेयर स्मेल टेस्ट ओके तो ये जो सारी हैं इन अगर सेंटेंस में ये आते हैं तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में जैसे हम जो भी सोच रहे हैं समझ रहे हैं एग्री कर रहे हैं थिंक बिलीव नो एग्री इनके साथ भी आपकी आ, आ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका यूज़ नहीं होगा फीलिंग जब फीलिंग की बात हो जो भी फीलिंग में आता है जैसे हमें जो चाहिए जो विश है लव है हेट है ठीक है आ, जो भी आप फील करते हैं अंदर से जो महसूस करते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं ओके तो आ, उनके साथ भी उन वर्ब्स के साथ भी आपकी आपका प्रेजेंट कंटिनस टेंस यूज़ नहीं होता है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग कोई चीज़ आपके सामने है जिसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं अपीयर लुक सीम ठीक है तो इनके साथ भी आपका प्रजेंट टेंस यूज़ नहीं होता है वर्ब्स ऑफ पोसेसिंग पोसेसिंग मतलब जो चीज़ आपके पास है ठीक है जब प्रोसेसिंग प्रोसेस possess करना जो आपके पास है जो आपका खुद का है ठीक है जैसे आ, आपके पास Uh, क्या है आपके पास आपका पेन है आपकी बुक है ठीक है या आपके पास कार है ठीक है तो वो आपकी है उसके ऊपर किसी और का आ, अधिकार नहीं है ठीक है तो जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार मेरे पास कार है ठीक है तो वो आपकी है वो किसी और की नहीं हो सकती अगर कोई आपसे मांगने आता है तब आप उसको दोगे ठीक है तो यहाँ पर जब प्रोसेशन की बात होती है तो भी वहाँ पर प्रजेंट टेंस यूज़ नहीं होता है और जैसे और भी वर्ब्स हैं कंटेन कोस्ट ठीक है तो ये जो सारे वर्ब्स हैं इनके साथ हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर बात आती है तो इन सारी वर्ब के साथ कौन सा टेंस यूज़ होगा नाउ वी विल यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस विद सच वर्ब्स ओके इन सभी वर्ब्स के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे ध्यान रखना हमेशा इन सारी वर्ब्स के साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिनस टेंस का यूज़ नहीं होगा इन सभी वर्ब्स के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे ओके फॉर एग्जांपल दिस एप्पल टेस्ट सो ये जो एप्पल है इसका खट्टा टेस्ट है ठीक है तो यहाँ पे देखो टेस्ट के बारे में बात हो रही है सेंसेस के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हमने इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मीन्स कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं किया किसका यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस मीन्स हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है ओके जो जो कि आपका दिया हुआ है टेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस ओके आई लाइक द फिल्म मुझे फिल्म पसंद है ठीक है तो अब यहाँ पे जो लाइक like वर्ड आया है ठीक है ये भी आपकी ऐसी वर्ब है जो कि आपकी आ, कह सकते हो कि आपकी फ़ीलिंग के बारे में बात हो रही है जो आप पसंद कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे जो ये बात है लाइक like, ये भी आपकी प्रेजेंट कंटिनस टेंस में यूज़ नहीं होगी यहाँ पे हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे और जो लाइक like है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आपको मैंने बताया था आई और यू के साथ कभी भी एस और ए एस नहीं आता है सिर्फ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दैट्स वाई वी विल यूज़ लाइक हेयर ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही एग्रीज़ विद मी वह मुझसे सहमत है ठीक है तो एग्री वर्ड क्या है ये आपका थिंकिंग में आता है थिंकिंग वर्ब में आता है तो इसलिए हमने यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं किया यहाँ हमने यूज़ किया सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्री ठीक है और यहाँ पे ही क्या है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस ठीक है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस और ई एस का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दैट्स वाई वी विल यूज़ एग्रीज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ अ कार उसके पास एक कार है देखो यहाँ पोसेशन की बात हो रही है कि उसके पास एक कार है तो यहाँ पे उसकी खुद की कार है ये ठीक है जो चीज़ उसके पास है उसकी खुद की है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे हम टेंस का यूज़ नहीं करेंगे ठीक है अब देखो आप सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे तो हैज़ आया हुआ है ठीक है देखो यहाँ पे जो हैज़ आया हुआ है उसके साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम यही पढ़ेंगे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है यहाँ पे सिर्फ पोसेशन के बारे में बात हो रही है इसीलिए हमने लगाया हैज ठीक है और ये जो हैज़ है जहाँ पे पोसेशन के लिए जब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं ठीक है तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है ठीक है ध्यान रखना ये बात कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर प्रोसेशन की बात होती है तो हम वहां पे हैज और हैव लगाते हैं ठीक है ये आपका सिंपल टेंस में ही आता है जब प्रोसेशन की बात होगी तो लास्ट एग्ज़ाम्पल इज़ द बैग वेज फोर्टी किलोज़ बैग चालीस किलो का है ठीक है कितना वेट है उसका फोर्टी किलोज तो यहाँ पे मैंने लास्ट में आपको बताया था अदर वर्ब्स में कि कोस्ट के बारे में या वेट के बारे में ठीक है या कोई चीज़ है किसी चीज़ में कुछ आ, कोई जैसे कोई बैग है उसमें कुछ सामान है कंटेन करने की कोई बात हो रही है कोस्ट की वेट की इस तरह से कोई बात हो रही है तो वहाँ भी हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस वेज ओके रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दैन यू विल डू एक्सरसाइज एंड योर एक्सरसाइज इज चूज सुटेबल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसिस विद प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ओके देखो आपका कुछ सेंटेंस यहां पर गिवन है इसमें आपकी वर्ब्स जो हैं वो भी ब्रैकेट में मतलब एक बड़े से ब्रैकेट में दी हुई है ऊपर टॉप पे ठीक है बॉक्स में दी हुई है आपको सारी वर्ब्स तो इस बॉक्स में से आपको वर्ब्स चूज़ करनी है कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होगी ठीक है जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी और आपको यहाँ कौन सा टेंस यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि अभी हमने पढ़ा है मीन्स इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन ओके दिस इज़ फॉर योर होमवर्क और फॉर योर प्रैक्टिस ओके If you have any problem, any doubt regarding this uh, tense, then you will ask in comment after watching the video. Okay, thank you and take care.